अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल के प्रॉब्लम को। हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 3 टी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर एकेडमी और टू वांट टू लर्न अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ एनी लेवल एनी कोर्स, कॉन्टैक्ट अस 0304-2291-893। डियर स्टूडेंट, हमारा प्रॉब्लम है 0 to 3 डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि आपको लिमिट्स गिवन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये कुछ इस तरह आ जाएगा 0 to 3 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 को हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला होता है 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर डी ऑफ एक्स, ये इक्वल होता है टेन इनवर्स, ये इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब ये हमारे पास एक्स की जगह पे एक्स है और ए की जगह पे 3 है, तो ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह कन्वर्ट होगा। ये आ जाएगा 1 ओवर 3, ए की जगह पे 3 है, 1 ओवर 3 टेन इनवर्स एक्स ओवर 3 और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अब आपको कोई इशू नहीं, अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है। 1 ओवर 3 बाहर किया, यह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह पर 3 ओवर 3 माइनस टेन इनवर्स 0 ओवर 3। अब देखिए स्टूडेंट, 1 ओवर 3 ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। आगे देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर 3 ये टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होता है, पाई बाय, यानी टेन 45 पर 1 वैल्यू देता है। ठीक है, ये पाई बाय 4 आ जाएगा, पाई बाय 4 का मतलब है 45, और माइनस 1 ओवर 3 टेन इनवर्स 0 पर 0 वैल्यू देता है, यानी टेन 0 पर 0 वैल्यू देता है। जब आप अपने कैलकुलेटर पर एक बटन होगा शिफ्ट और टेन को प्रेस करेंगे तो आपके पास टेन इनवर्स आ जाएगा, वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा, और 1 पुट करेंगे तो आपके पास 45 आएगा, 45 को पाई ओवर 4 लिखा जाता है। यह 1 ओवर 3 पाई ओवर 4 माइनस 0, यह आ जाएगा पाई ओवर 12, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।